ये जितनी भी कलेक्शन देख रहे हो ना आप, ये मैंने अपनी शादी के बाद ही इकट्ठी की है। मेरा इयररिंग्स कलेक्शन शादी से पहले ही लिए थे, शादी के बाद के लिए। मेरा जो इंस्टाग्राम है, अभी बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है कि नहीं दिख रहा है, शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके स्लॉट सारे बुक हो गए, सुबह ही बुक कर लिए थे पूरी सारी सोसाइटी वालों ने। डोसा हमारा रेडी हो रहा है, मेहंदी देखो। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी है। जो मुझे देखकर दुखी होते हैं वो मुझे ना देखें और मुझे अपने दुख की वजह ना बनाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कल मैंने रात को ब्लॉग अपलोड किया, वो जो आपने ब्लॉग देखा है ना, बहुत दिन से मैं बना रही थी वो वीडियो, पर मेरा नई हिम्मत हो रही थी, बीच में मेरा तबीयत भी ऐसी हो गई थी तो मैंने अपलोड नहीं की थी, बट मैंने आज एक ब्लॉग शुरू कर दिया। और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि आपको मेरा इयररिंग्स कलेक्शन देखना है, तो जो मेरे सारे इयररिंग्स की कलेक्शन है वो इसके अंदर है, तो हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जितनी भी कलेक्शन देख रहे हो ना आप, ये मैंने अपनी शादी के बाद ही इकट्ठी की है, सारी कलेक्ट की है। तो हम शुरू करते हैं मेरा इयररिंग्स कलेक्शन। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इयररिंग्स मेरी जान है। अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक डिजाइन कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी शादी के बाद की कलेक्शन है, लास्ट वीडियो थी उसमें बहुत ज्यादा नॉइज आ रही थी, वो जब मैंने वीडियो देखा ना तब भी मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे पंखा बंद करके ही बैठना चाहिए, चाहे मैं गर्मी में मर जाऊं। तो चलिए देखिए, पहला बॉक्स मैं ओपन कर रही हूँ। ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये सारे बॉक्स मैंने मिस्टर DIY से ही लिए थे। इसमें जितने भी इयररिंग्स आप देख रहे हो, ये सारी झुमकी है, क्योंकि शादी के बाद मुझे जब गंधर्व जाना था ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि शादी के बाद मैं ऐसे जाऊंगी वैसे जाऊंगी, ये पहनूंगी वो पहनूंगी, बट मैं गंधर्व नहीं जा पाई। इसके पीछे भी स्टोरी है, वो मैं बता दूंगी। वो ये सारे मैंने तब लिए थे। इसमें ज्यादातर सेम इस टाइप की झुमकी वाले इयररिंग्स हैं, और इसी में ये येलो वाली भी है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, जितने कलर्स हैं मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये व्हाइट कलर की, और ये सारी मैंने ली थी CP से, कनॉट प्लेस में बहुत सारी शॉप्स लगी होती है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी, और आराम से 50 रुपए की थी, ज्यादा महंगी भी नहीं थी, तो मैंने जितने कलर्स थे ना सब उठा लिए थे वहाँ से। एक ये भी है जो मैं अपनी अनारकली के साथ, मुझे अच्छा लगता है, ये मैंने वहाँ से लिए थे, और इस तरह के डिजाइन ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे। शादी के नए नए दिनों में जब मैं शॉपिंग करने यहाँ गई थी ना, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स खरीदे थे वहाँ से, इस तरह के कुछ झुमके खरीदे थे मैंने, यहीं से लिया था, और मैंने ये दिखाए भी थे व्लॉग में जब मैं व्लॉग बना रही थी उस समय। और ये वाले थे, मुझे झुमकी का इतना शौक था कि मुझे जितनी भी नई नई कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते थे तो मैं ले लेती थी, और बाकी का रेट मुझे इतना याद नहीं है, ये तो मुझे याद था इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें है ये वाले इयररिंग, तब हम फिजा के यहाँ गए थे ना, मायरा का बर्थडे था, तो उस ड्रेस के साथ मुझे ये मिले थे। इसमें एक रेड कलर है। झुमकी का बड़ा ही शौक रहा है मुझे, और अब मैं झुमकियाँ कम पहनने लगी हूँ, पता नहीं क्यों। छोटे छोटे इस तरह के भी मुझे पहनने पसंद है, और अभी जो मैंने पहने हुए हैं ये मैंने अपनी मायके वाली मार्केट से लिए थे, मतलब मैं ज्यादातर यही पहन रही हूँ आजकल, झुमकी पहननी तो मैंने छोड़ दी है। तो इसमें था इतना, ये है एक, ये भी मैंने मिस्टर DIY से लिया था बॉक्स। इसमें ज्यादातर हूप्स हैं, ये मैंने आज तक पहने भी नहीं है, ये वाले बालियां टाइप। गर्मी लग रही है गाइस, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लाइक कर दो वीडियो को, देखो पसीना। एक और है ये सिल्वर वाले, मैं आजकल यही वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ घर पे, मुझे आजकल झुमकी नहीं पसंद आ रही, मुझे आजकल इतने छोटे छोटे इयररिंग्स पसंद आते हैं, तो मैं वो पहनती हूँ। ये देखिए ये वाला, आपको बैक कैमरे से भी शॉर्ट्स दिखाती रहूंगी। ये जैसे ब्लू और ग्रीन वाला है ना, वैसे ये पिंक कलर के भी हैं, इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे लगता है इसपे भी प्यारे लगेंगे, पहन लूं क्या। मुझे जब भी कोई ऐसा इयररिंग मिलता है ना जो बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है, और ऐसा मुझे कहीं मिलेगा नहीं ना, तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं ले लेती हूँ। ये देखो है ना प्यारे, ये इयररिंग्स हैं, वो मैंने अपने ब्लू वाले कुर्ते पर पहने थे, और ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, ये मैं पहनती हूँ, मतलब झुमकी में ये मुझे अच्छे लगते हैं, प्यारे है ना। आप कमेंट करके बताओ मेरे इयररिंग का कलेक्शन, हम आगे देखेंगे। उससे पहले ये हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम, याद है आपको, आपको याद ही होगा कि मैंने अपने ये जो एक्ने के स्पॉट रह गए हैं इसको ट्रीट करने के लिए मंगवाया था, और ये मैंने फिर से मंगवा लिया है, क्योंकि ये सीरम स्वर्सा कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन से बनाया गया है, जो की हल्दी के कम्प्लीट गुणों को बरकरार रखता है। और आपको तो पता है की हल्दी हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है, और इसमें ऑर्गेनिक हल्दी के गुण तो है ही, बट इसका प्लस पॉइंट है की इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड और 2% नियासिनमाइड है, जो आपके डार्क स्पॉट पे विजिबली वर्क करेगा। नेचर और साइंस का इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन सुना है आपने। बस इसकी 2-3 बूंदे लेनी है आपको स्किन पे, और इसको लगाना है, दिन में 2 बार लगा सकते हैं आप बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। इसका फॉर्मूला इतना लाइट वेट है कि आपको ज्यादा हैवी फील होगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत कुछ हैवी लगाया है फेस पे। क्विक एब्जॉर्प्शन है, तो आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। एंड लुक एट द ग्लो गाइस, है ना, चमक रहा है चेहरा, और ये जो हल्का सा स्टेन आ गया ना मेहंदी का, और ये मेहंदी की कहानी आपको ब्लॉग में आगे देखने से पता चलेगी, तो बने रहिए। सीरम लगाने के बाद एक अच्छी सी सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। ये हल्दी का ज्यादा
दूं आपको नायका फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट और ऐप पर भी मिल जाएगा, और अगर आप अमेजोन से खरीदते हैं तो 30% का ऑफ भी मिल जाएगा। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो चेक करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल झुमकी से ज्यादा ना इस तरह के इयररिंग्स पसंद आ रहे हैं। देखो इयररिंग्स हैं तो इतने कलेक्शन है मेरे पास कि आप देखते देखते थक जाओगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं इतना लंबा ही वीडियो बनाऊंगी नहीं। और ये वाले इयररिंग्स देखिए, मैंने अभी आपने देखा होगा मैंने वो जो कॉर्ड सेट पहना था ब्लू वाला उसके साथ लिए थे ये वाले इयररिंग्स। और ये वाले इयररिंग्स हम कश्मीर से लाए थे, ये चांदी के इयररिंग्स हैं। ये मैंने जब वो कश्मीर की कली बनी थी ना तब पहने थे, उस पे इसकी शॉपिंग करवाने ये लोग मुझे स्पेशली लेकर गए थे एक दिन। हाय, मैंने थोड़ी देर के लिए पंखा चला दिया भाई, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, दो मिनट बर्दाश्त कर लो। मैं हमेशा एक सिल्वर और एक गोल्डन झुमकी जरूर रखती थी अपने पास शादी से पहले, किसी भी चीज पर ये चल जाएंगी, इस पर भी अच्छी लगेंगी। बट मुझे पता नहीं आजकल झुमकी अपने ऊपर पता नहीं क्यों ही पसंद आ रही। और ये हुप्स भी रखे हैं मेरे पास, सर ऐसी कलेक्शन है मेरे पास जो सिर्फ रखी है और उनका कोई काम नहीं है। ये मुझे सिर्फ 30 रुपए के मिले थे, मैंने ले लिए थे। मैं इनको कब पहनूंगी क्या पहनूंगी, बट ये बहुत सस्ते थे और बहुत प्यारे भी लगे मुझे, मतलब 30 रुपए की क्या आता है 30 रुपए में। तो मैंने बताया था ना गोल्डन और सिल्वर, ये सिल्वर भी इयररिंग्स थे मेरे पास, झुमकी सिल्वर झुमकी भी रखी थी कि किसी भी चीज पे काम आ जाएगी। और एक और मेरे पास ऐसा ही बॉक्स है, इसमें भी सारी झुमकी है। कुछ यूनिक है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी जो सिमिलर है ना मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ, ठीक है। एक ये इयररिंग्स है, मैंने पंखा बंद कर दिया गाइस ताकि आपको परेशानी ना हो, मुझे बेशक होती रहे आप लाइक कर दो बस। ये देखो मैंने अपनी ब्लू वाली अनारकली पर पहने थे। अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता जाएगा ना जो मैंने ये इयररिंग्स कहीं पहने थे वो क्लिप मिल जाएगी तो मैं साइड में लगाती रहूंगी। और एक ये इयररिंग्स है मेरे पास, एक ये इसका ना झुमका मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। ये मैं बहुत पहनती थी शादी के बाद में, जितने भी मतलब मेरे गोल्डन टाइप के टच के सूट थे ना तो मेरे सबके साथ ही जाते थे, बट अब इसका एक इयररिंग मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। किसी ने देखा हो तो प्लीज बताना। एक गोल्डन हूप्स भी है इसमें, बाकी फिर वही वाली झुमकी है। एक ब्लैक है उसी तरह की, एक ये रेड है, एक ये ब्लू टेल ब्लू है, एक ये ब्लू है, और एक ये कुछ ग्रीन कलर है, पिस्ता ग्रीन कलर, और इसी तरह की है सारी झुमकी। अब हम खोलते हैं ये वाला, ऐसा ड्रॉर वाला है बॉक्स जो मैंने मिस्टर डीआईवाई से लिया था। इसमें क्या क्या है, कुछ बड़े बड़े इयररिंग्स की कलेक्शन है इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। रेड वाला दिखाया ना मैंने 30 रुपए वाला, वो उसके साथ ही मैंने ये भी लिया था, ये भी 30 रुपए का था गाइस। तो ये भी मैंने अभी तक पहने नहीं है बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, 30 रुपए के हिसाब से कितने प्यारे है ना। पर ये वाले इयररिंग्स मैंने आपको दिखा दिए थे उस वीडियो में ही, उसको देखकर आपको इयररिंग्स कलेक्शन देखना था। तो ये वो इयररिंग्स है बहुत ही प्यारे, ये इस पर भी बहुत प्यारे लगेंगे, ये जब ही बाई थी तब खरीदे थे हमने। इसमें ये थे जो मैंने मुझे बस लाने का शौक था, क्योंकि मैचिंग का मेरा शौक था तो मैंने ये लिए थे, मैंने एक भी बार नहीं पहने, ये तब से ऐसे ही रखे हैं, इसका गिव अवे कर दूंगी। तो मैंने आज तक कोई गिव अवे नहीं किया गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना, वो सब प्रोसीजर मुझे पता नहीं तो मैंने कभी किया भी नहीं, मैं कर सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये इयररिंग्स मैंने शिकारा राइड पर बैठे थे ना हम वहाँ कश्मीर में, वहाँ पे ये चलती हुई शिकारा से हमने खरीदे थे और ये भी मैंने आज तक नहीं पहने हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे इसके साथ कुछ पहनने के लिए मिलेगा, तब मैं इसको डालूंगी। और ये मेरी शादी से पहले के इयररिंग्स हैं जो मैंने खुद कस्टमाइज किए थे, टी का बनाया था, आपको याद होगा अगर आप मेरे पहले बहुत पुराने व्यूअर हैं। और ये भी मैंने शादी से पहले खरीदे थे शादी के बाद के लिए, और ये मैंने बिना मैचिंग के लिए थे, बट मेरी येलो वाली फ्रॉक जो मैंने पहनी थी, हीरो का बर्थडे था, मैं साइड पे लगा दूंगी, वो उसमें मैंने ये पहने थे। तो ये भी बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं येलो कलर के, और बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गए थे उससे। मैंने बताया था ना ग्रीन कलर के हैं, उसमें जो 50 रुपए में ये वाले लेकर आई थी, ब्लू ग्रीन और ये पिंक। ये इयररिंग्स मैंने आपको पिछली वीडियो में ही दिखा दिए थे, मैंने यहाँ पे गरबा नाइट हुई थी वहां से लिए थे, और ये बहुत प्यारे हैं, मैं इसलिए दोबारा दिखा रही हूँ ताकि जो नए व्यूअर हैं वो देख लें ये वाले इयररिंग्स। और ये सिर्फ 200 रुपए के थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। ये इयररिंग्स मैंने शादी से पहले लिए थे शादी के बाद के लिए, तो ये भी मैंने आज तक नहीं पहने हैं, और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही हल्की है ये झुमकी। अब आप जब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना तब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ये पहनने चाहिए, मैं कब पहनूंगी इस तरह के, भी बहुत प्यारे हैं। इसमें भी पिंक स्टोन है, सारा ही पिंक स्टोन वाले दिख रहे हैं। एक ये इयररिंग्स हैं जो मुझे हीरो ने दिलवाए थे और ये बहुत प्यारे हैं। ये मैंने कभी पहने हैं नहीं, मैंने ये कभी नहीं पहने, अभी तक तो नहीं इनकी बारी आई। मैं अभी बहुत ज्यादा वेट करती हूँ कि कब मेरे इयररिंग्स की बारी आएगी और मैं कब पहनूंगी उनको। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये भी मैंने आज तक नहीं पहने, ये भी ऐसे के ऐसे ही रखे हैं एज इट इज। ये देखो कितने प्यारे हैं ये वाले, ये मैंने एक ही बार पहने थे जब मेरे घर से सारे लोग यहाँ आए थे ना पे लंच पे, तब मैंने पहने थे ये वाले इयररिंग्स, है ना प्यारे। और इसमें मेरे कलीरे भी रखे हैं शादी के, और ये वाले इयररिंग्स हैं इसमें, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये वाले, मैंने अपने वहीं से लिए थे मायके वाली मार्केट से, और ये आपने मुझे पहने हुए देखे भी होंगे, इतने पहले ही लिए थे शादी के बाद के लिए, और ये बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं, है ना प्यारे, बहुत ही प्यारे हैं ये।
और ये वाले तो आपने देखे ही थे, मैंने गोल्डन प्ले बटन पर पहने थे, मैं कुछ और लेकर आई थी, बट वो इयररिंग्स हमारे घर से गायब हो गए, मतलब पता नहीं कहाँ गए, क्या हुआ उनका। इससे सिमिलर ये मुझे मिल गए थे तो मैंने ये पहने थे तब, और ये उससे भी ज्यादा प्यारे लग रहे थे, है ना। खैर आपने वो देखे नहीं, लेकिन ये वाले इयररिंग्स है वो। तो गाइज आपकी डिमांड पर मैंने बनाया इयररिंग्स कलेक्शन। और एक चीज जो बाकी सब लोग मुझसे पूछ रहे, और मुझे भी ऐसा था कि मैं अभी नहीं बता रही पर मैं बता दूंगी, मुझे लगा था कि हो जाएगा काम हमारा तब आपको बताऊंगी, या ना बताने की भी जरूरत पड़ी तो नहीं भी बताऊंगी। क्या हुआ कि मेरा जो इंस्टाग्राम है, अभी बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है कि नहीं दिख रहा है, शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने क्या कर दिया अकाउंट को, डिसेबल कर दिया है इंस्टाग्राम ने अकाउंट को। जब ये मैसेज आया था, कब आया था ये मैसेज, 3-4 दिन पहले, चेक करो ना व्हाट्सएप पे, अपने चेक करो, लास्ट वीक आया था, लास्ट वीक आया था, आज आज कौन सा दिन है, थर्सडे है ना, लास्ट वीक आया था, एक हफ्ता हो गया गाइस, एक हफ्ता हो गया इंस्टाग्राम को मेरे डिसेबल हुए हुए। बोल रहे हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का हमने कोई उल्लंघन किया उनके साथ, कम्युनिटी गाइडलाइंस। और मैं तो कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाती, ना मैं कोई प्रमोशनल वीडियो उसमें ऐड करती हूँ या कुछ भी। आप दिखाओ ना क्या आपने मेल किया था हीरो ने उस दिन, उसके अगले दिन, मतलब जब मुझे पता चला था उसके नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मेल भी किया था इंस्टाग्राम को। क्या मेल किया था आपने, वही रिव्यू करने के लिए कि ऐसे ऐसे कैसे क्या हो गया, आप चेक करिए। उनका रिप्लाई आया कि हमने चेक कर लिया, दोबारा आपका जो डिसीजन है वो आप दोबारा से चेक करें, क्योंकि हमारे तरफ से ऐसा कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट हम अच्छा ही डालते हैं। और मैंने, मतलब मैं जो अपने रील उसमें यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रही थी वही मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रही थी, मैंने इस डर से, क्योंकि एक वो है प्रिया राव करके है उनका, उसका देवर और हस्बैंड भी वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने उनका जब देखा था ना कि उनका डिसेबल हो गया अकाउंट, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इंस्टाग्राम ने, उन्होंने अपने वीडियो में ये रीजन बताया था, परवेश करके हैं वो, कंफ्यूज हो गए, इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो गया कि कौन सा रियल आईडी है, ये रीजन बताया था उन्होंने। तो मैंने जब इनसे ये डिस्कस किया तो हमने तब मिलकर आपस में डिस्कशन करके जो ब्लू टिक था इंस्टाग्राम का वो हमने परचेस कर लिया था, कि ऐसा ना हो ना कि जो ओरिजिनल अकाउंट है वही डिसेबल हो जाए आगे फ्यूचर में जाके। और वो हुआ, पहले जो पहला अकाउंट हुआ था इसलिए हुआ था ना कि ओरिजिनल के लिए हुआ था ना, वो 26,000 फॉलोअर्स थे। वो तो खैर तब की कहानी है, आप लोग मुझे तब से फॉलो करते होगे ना अगर, तो आपको पता होगा पहले भी अकाउंट मेरा चला गया था और मैंने फिर से शुरुआत की थी। खैर अभी इसके बारे में क्या बात करूं मैं, दोबारा से कितना फॉलोवर्स थे, 2,36,000 के आसपास फॉलोवर्स है। और इन्होंने मेल किया था ना उस पे रिवर्ट आया था उनका वापस कि हमने चेक कर लिया। बताओ ना, मेरा हाथ दुख रहा है, ये दिखा देता ना कोई, इस पे दिखा दूंगी कि क्या मेल आया था, मैं वैसे दिखा दूंगी आपको। पता नहीं मैं ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ, या मैं पहले बच्ची थी, या मैं अभी 2 साल में ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ, कि मुझे 26,000 फॉलोवर्स जाने का इतना गम मैंने मनाया था। वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने पता किया ना, बहुत सारे उसमें यूट्यूब वीडियो में देखा, पता किया बहुत सारे लोगों का ऐसे इन जनरल लोग कर देते हैं डिसेबल, वहाँ पे कोई वो थोड़ी होता है कि कोई बंदा, क्या बोला अभी, कोई बंदा बैठ के थोड़ी डिसेबल करता है, ऐसा नहीं कि कोई देखता है पर्टिकुलर डिसेबल करता है। वहाँ पे उनके सब मशीन होते हैं ना, AI होते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर करते हैं कंटेंट को, ऑटोमेटिकली डिसेबल। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं था उसमें। पता नहीं मैं तो क्या क्या वीडियोस देखती हूँ अजीबो गरीब, मेरे तो एकदम सिंपल और स्वीट से कंटेंट होते हैं, पता नहीं क्या ही उनको ऐसा दिखा। और उसमें जब 15 अक्टूबर को भी परसों रात को उनका मेल आया था कि अब आप रिव्यू ना करें क्योंकि हमने देख लिया है, दोबारा से फिर से चेक कर लिया। अपील का ऑप्शन आया था पहले, अपने अपील किया, फिर उन्होंने बोला कि अब आपके पास अपील का ऑप्शन भी नहीं है, अब आप अपील भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने हमें 4 दिन का समय दिया है, कुछ उन्होंने मेल पर लिंक भेजा है, नहीं खुल रहा वो, उन्होंने लिंक भेजा है एक मेल पर कि आप अपना जो कंटेंट आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, पर वो खुल नहीं रहा, तो मैं तो खुश हो गई थी इस बात से। वही आ रहा है कि तो इसका मतलब ये कि बेबी अकाउंट गया, मैं इस समय हंस रही हूँ। 2,36,000 लोग फॉलो करते थे मुझे वहाँ, जब 26,000 फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम अकाउंट गया था गाइस, मैं रो रही थी लिटरली। इस बार पता नहीं क्यों मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, 2,26,000 से भी ज्यादा, 2,00,000। और ये भी, और सारी बहनें भी मुझसे यही कह रही हैं कि दोबारा से शुरू कर, फिर से शुरू कर, होंगे वापस से शुरू करती रहूंगी। इंस्टाग्राम यूज ही मत करो, हाँ पता नहीं किसी मैं तो यही सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम यूज ही ना करो, ना फालतू लोग हैं, किसी का भी अकाउंट डिसेबल कर देते हैं। अभी 700 रुपए भी हमने पे किया था, खैर 700 तो छोड़ो, 2 साल हो गए थे ना उस अकाउंट को, खैर दूसरे अकाउंट में अगर करेंगे उसमें भी कर लेंगे।
फिर उसमें कंटेंट डालोगी फिर आगे चलते दुख तो हुआ था गाइस। इस समय मैं आपको बहुत हल्की दिखाई दे रही होंगी, आपको मेरा रिएक्शन हल्का लग रहा होगा। अब इनसे पूछो, जब ऐसा मैसेज आया था मैं कितनी परेशान हुई थी, मेरा सर में कितना दर्द हुआ था, पता नहीं क्यों ही क्या हुआ कैसे हुआ ये। एक और बार इन्होंने मेल किया है, क्या पता वो उसको फिर से हर जगह मेल करा है, इन्होंने फेसबुक पे भी मेल किया है, फेसबुक को भी मेल किया है, तो हो सकता है वो रिव्यू फिर से करें, या मुझे तो नहीं लगता। और अगर मैं कोई दूसरा अकाउंट बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। बोल दिया परमानेंटली डिसेबल कर दिया, हमें परमानेंटली डिसेबल कर दिया है। और उन्होंने बताया भी नहीं ना कि कौन से वीडियो में कुछ ऐसा हुआ है या कौन सा कंटेंट है, कुछ नहीं बताते वो लोग, डायरेक्टली डिसेबल कर देते। हाँ, सबसे बुरी बात तो मुझे यही लगती है कि वो रीजन नहीं बता रहे। और ऐसा भी नहीं है कि वो ऑप्शन देते हैं कि आप ये कंटेंट को डिलीट कर दो या हटा दो या ऐड कर दो। पता नहीं यार, कुल मिला के ये है कि मेरा ये वाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी चला गया है गाइस। इन लोगों से पूछ लो ना कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ, हाँ इंस्टाग्राम अकाउंट मैं बनाऊं इस बार या मैं ना बनाऊं, मैं सिर्फ अपना यूट्यूब ही संभालूं। ये तो कह रहे हैं उसे इंस्टाग्राम मत करो, मत बनाओ, और मेरा भी यही मन है कि मैं पर ये है कि मैं कभी कभी जैसे कुछ हो रहा है नया कुछ हो रहा है तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना दिया करती थी या रील डालती थी कुछ अलग, मतलब पूरी वीडियो में। अभी मैंने वो क्लिप देखी जो लास्ट बनाई थी, पूरी वीडियो में हीरो कहीं नजर ही नहीं आ रहे इतना, मतलब मैंने ऐसे जूम करके शूट कर लिया तो वो चले गए, अब तो वो आएंगे भी नहीं। बड़ी मुश्किल से उनको बुला के लाई थी कि आप भी कुछ बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो काम पे बैठ गए और सारी वीडियो में वो दिख ही नहीं रहे। जितने कमेंट आएंगे ना इस वीडियो पे, एक से ज्यादा कमेंट भी कर सकते हो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे ना क्वांटिटी कमेंट्स की ज्यादा होगी, मैं सोचूंगी कि इस बारे में कि नहीं मुझे बनाना चाहिए दूसरा, और फिर यूजर नेम जो भी रखेंगे वो आपको बता देंगे। एंड गाइस, पता है आपको हमारी सोसाइटी में ना करवा चौथ का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो सोसाइटी में ना पूरी एक टीम आई हुई है मेहंदी लगाने, और सोसाइटी के ग्रुप में उन्होंने जब वो फोटो भेजे ना मेहंदी के, इतने प्यारे प्यारे डिजाइन हैं, मेरा भी मन कर रहा है। अभी हीरो से डिस्कस नहीं किया है मैंने, अभी ये आ जाएंगे ना दोबारा से एक और ब्रेक लेंगे तब मैं इनसे पूछूंगी कि मैं भी बुला लूं क्या। पता है वो बहुत रीजनेबल प्राइस में भी मेहंदी लगा रहे हैं, तो ये मौका तो मैं नहीं जाने दे सकती हाथ से, लेकिन फिर भी एक बार हीरो से पूछना पड़ेगा। तो मैंने इनको बुलाया है अभी कि इधर आओ एक सेकंड, मुझे बात करनी है कुछ। यार प्लीज मना मत करना, जो टीम ने आई मैं दिख भी रहा हूं उसमें। हां आप दिख रहे हो, ये कट गए थे। मुझे भी मेहंदी लगवानी है। मेहंदी? मुझे मतलब? अरे टीम आई हुई है ना, मैं भी बुला लूँ। कौन सी टीम? जो सुबह मैसेज आया था। वो टीम गई? नहीं, अभी नहीं गई, रात तक मेहंदी लगाएंगे वो लोग, मैं भी लगवा लूँ। क्या करोगे मेहंदी लगा के? मेरा मन है यार, तो प्राइस भी सही लगा रहे ना। मेहंदी वाले चले गए बाबू? नहीं, शाम तक रहेंगे, मेहंदी वाले थोड़ी दिन तक जाते हैं। मैं भी लगा लूँ, आप एक मैसेज डाल दो। क्या करोगे लगा के? मेरे को अच्छी लगती है मेहंदी, लगवा लूँ। तो आप एक मैसेज डाल दो कि शाम को कोई भी फ्री हो उसमें से, तो मेरे को लगा दो, भर के लगवाऊंगी, भर के। डाल रहे हो? डाल देते हैं। ये मैंने क्या किया यार, इन्होंने मुझे कहा था कॉफी बनाने के लिए, मैंने इसमें गलती से पत्ती डाल दी। चाय बना, मैंने गलती से पत्ती डाल दी कॉफी में। पत्ती कौन डालते हैं भाई? अब चाय पीनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, चाय पी लेना, ठीक है? अब बेचारों को कॉफी की जगह चाय पीनी पड़ेगी। बन गई चाय। अब आपको एक कटोरी में कुछ नहीं दिख रहा ना, वहीं पे रखा है नाश्ता, वहीं पे डाल दूँगी जाके, खाली कटोरी उसमें रखा है नाश्ता। लो बिस्किट भी ख़त्म हो गए, और बिस्किट नहीं है, दूसरा ले आती हूँ मैं, ये नमकीन कर लो, मैं लाती हूँ। यहाँ पे रखे हैं वो बिस्किट, मैं कल रात को लेके आई थी, ये दे देती हूँ। किचन में नहीं रखते हम लोग गाइस, क्योंकि वहाँ पर ना चींटियाँ आ जाती हैं बहुत सारी। लो तो दो मैं भी खा लूँगी। ये रखी मेरी आधा कप चाय, मेरा भी मन करता है इनके लिए बनाती हूँ ना थोड़ी सी चाय पीने का, और अब ये इंजॉय करूंगी मैं कभी तुम का 29वां एपिसोड देख के। प्लीज आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कमेंट करके बताना। मुस्तफा का जो अभी चल रहा है ना उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसका बिहेवियर निया आमिर के साथ, शर्जीना उसका नाम भूल गई थी मैं, बस देखूंगी 29वां एपिसोड, 28वां देख लिया था मैंने। मुझे ना आपको अच्छे से एक और सीरियल सजेस्ट करो उसके अलावा, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मुझे कि आप ये देखो वो देखो, लेकिन अभी जो इस पे कमेंट आएंगे ना मैं बस जरूर देखूंगी। ये तो सो गए थे थोड़ा देर,
और मैं जा रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। धनिया साफ करना है, धनिया साफ करके रखती हूँ, फिर इसकी चटनी बनेगी। और आज घर में बन रही है इडली, तो ये इडली का बैटर मंगवाया है। आपको मेरा चुटकी वाला स्टाइल बहुत पसंद है ना, तो ये धनिया एक चुटकी में साफ करके इसमें करते हैं। हो गया, सारा साफ हो गया। अब मैं इसको वॉश करती हूँ और आलू उबलने रखने हैं डोसा के लिए। तो बस ये चार आलू उबलने रख रही हूँ मैं डोसा की फिलिंग के लिए। स्लॉट सारे बुक हो गए, सुबह ही बुक कर लिए थे पूरी सारी सोसाइटी वालों ने, तो मैं अब क्या मेहंदी लगवाऊंगी। तो बड़ा दुख हो रहा है यार, मुझे लगवानी थी। वो कह रहे हैं कि 1% चांस है, वैसे तो 99% नहीं है कि वो आएंगे, पर 1% है अगर वो आ जाते हैं तो फिर लगवाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता आएंगे। नमाज पढ़ रही थी, असर की नमाज हो गई मेरी, और अभी हीरो ने बताया कि वो मेहंदी लगाने आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब नहीं लग पाएगी, और मेरा इतना दिल भी मूड बन जाता ना, फिर वो चीज़ नहीं होना तो फिर गुस्सा आता है यार। मेरे आलू भी उबल गए हैं, पानी की बोतल देनी है इनको। लो, आपके कपड़ों से मैच हो रही है। नमकीन खा रहे हो? चलो खाओ, हमारे आलू उबल गए। क्या कलर्स दिख रहे हैं इसमें। ये डोसा हमारा रेडी हो रहा है, ये हमारा डोसा तैयार है। बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। मैं तो खा रही हूँ, देखते हैं। यहाँ पे हीरो बना रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि बहनें कह रही हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा कि तू इंस्टाग्राम अकाउंट ही ना बनाए, तो बना रहे हैं ये। कौन सा कर रहे हो? जो पहले था ना आईडी, हाँ वो लगा के देख रहा हूँ। पहले मतलब एकदम पहले, इससे पहले जो 26,000 फॉलोवर्स वाला अकाउंट था। हाँ। ये वाला यूजर नेम गाइस, इससे करके देखते हैं। तो इसमें हम ना फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। नहीं आया, सॉरी व्हाट समथिंग वेंट रॉन्ग। आ गया ना यहाँ पे, ये टिक आ गया ना। ओह, ये देखो यहाँ आ गया ना, अवेलेबल है। अच्छा, तो कर दो फिर इसी से। सही है, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखूंगी स्मॉल। तो गाइस ऑफिशियल / अर्शी सैफी, यही यूजर नेम से हम दोबारा दूसरी आईडी बना रहे हैं। हमने अब बड़ी टेंशन में बेचारे, कंटेंट नहीं डालेंगे तो फिर क्यों बना रहे हैं? अरे मतलब ऐसा कंटेंट डालेंगे कि मतलब ठीक ठाक ही कंटेंट डालेंगे। मतलब मैंने भी अभी अम्मी से यही कह रही थी कि मैं उस पर इतनी मेहनत नहीं करूंगी जितनी मैं कर देती थी, और फिर कुछ चला जाए तो फिर खराब। मुझे ना हमेशा से मेहंदी फुल भर के अच्छी लगती है, वो थोड़ी थोड़ी मेहंदी में जो नहीं आता मज़ा उसमें, तो लग रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग हो गई और मेरी मेहंदी देखो। मतलब वो कह रहे थे कि आप इतने, एक तो अपने लास्ट मोमेंट पे बुक किया और आप ये भर भर के क्यों कह रही हो। मैंने कहा भैया मुझे नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाना मुझे नहीं पसंद। आप जब भी देखोगे ना मेरे हाथों में मेहंदी, हमेशा भर के देखोगे, मुझे नहीं पसंद थोड़ी थोड़ी लगाना, मुझे नहीं पसंद। मैंने एक बार ईद पे भी लगाई थी तो पूरी भर भर के लगाई थी, अभी भी मैंने भर के लगाई है, इस हाथ पे भी लगाई है। अच्छा बस अभी नाश्ता हो गया है हमारा, ब्रेकफास्ट हो गया है और सारा रूम ऐसे ही पड़ा है। लेट चाहे सोए कितने भी हम 7:30 बजे उठ ही जाते हैं, मतलब 7 बजे उठ जाते हैं, बड़ा 7:30 बजे उठी मैं, 8 बज रहे हैं अभी, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और यहाँ से बहुत प्यारी सी धूप आ रही है। अब ये रूम क्लीन कर देती हूँ मैं एक चुटकी में। हो गया सारा क्लीन। आजकल मैं सारे काम चुटकियों में करने लगी हूँ। एंड गाइज मैंने आपको ये दिखाया नहीं, ये देखो मैंने ये मंगवाया था अमेजोन से, मैंने इसका ना शॉर्ट भी बनाया है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी लकड़ी भी बहुत अच्छी है। ये मैंने बहुत ही सही मतलब प्राइस में खरीदा था, 300 के आसपास लगभग, बहुत सही है, सस्ता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। बस जी नहाना धोना हो गया था, आज जुम्मा था, मैंने सफाई के बाद बहुत जल्दी सारे काम किए, नमाज भी पढ़ ली, और मैंने कल का सारा व्लॉग एडिट कर दिया था सुबह ही, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों को वो व्लॉग दे दूं, मतलब ज्यादा टाइम ना लगाऊं। और अभी कुछ एडिटिंग बाकी है वो मैं करती हूं, और थोड़ी देर में अब रेस्ट करूंगी, उसके बाद इनको मैं चाय बना के दूंगी, कॉफी बना के दूंगी, जो ये मांगेंगे वो देखकर, फिर मैं थोड़ी देर ना सो जाऊंगी। अब कहने की बात होती है कि मैं दोपहर में बोलूं कि मैं सो जाऊं और मुझे नींद नहीं आती। मैंने थोड़ा सा ब्लॉग एडिट कर दिया, और इनको देखो आज इन्होंने कुछ नया टी शर्ट पहनी है, आप दिख रहे हो है तो नहीं, मुझे तो पता है, पता नहीं दिख रहे दिख रहे। इसमें मेहंदी कैसी लगी? अच्छी लगी मेहंदी। बैठ जाओ, क्या पता ना दिख रहे हो, बैठ के दिखता ही नहीं।
और मैंने व्लॉग भी एडिट कर दिया, तो मैं आज अपलोड कर दूँ ये व्लॉग, कर दो मतलब कल कर दूंगी, आज थोड़ा एडिट कर लूंगी लास्ट का है। और एक बात की बोलो, इंस्टाग्राम अकाउंट जो हमने नया बनाया है हाँ, उसको आप लोग फॉलो कर लो, उसको आप लोग फॉलो कर लो, और वही लोग फॉलो करें जो मुझे देखना चाहते हैं, जो मुझे देखकर खुश होते हैं, जो मुझे देखकर दुखी होते हैं वो मुझे ना देखें और मुझे अपने दुख की वजह ना बनाएं, है ना। तो बस फॉलो कर लेना, मैं उसकी भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। इन्होंने रात को बना दिया था, थैंक यू, ही इज ऑलवेज विद मी और मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। चलो गाइस, बस इस वीडियो का एंड करते हैं। आपने इसमें मेरा इयरिंग कलेक्शन देखा और मेरा इंस्टाग्राम की स्टोरी सुन ली, नई आईडी बता दी मैंने आपको। बस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, मेरी मेहंदी कैसी लगी वो भी बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, बाय।